हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ट्रिपल बॉस में। फिर है आज का वीडियो दोस्तों, रात का वीडियो होने वाला है, ठीक है। डिनर का वीडियो होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम दिन में वैसे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाए थे, ठीक है। और अभी दोस्तों शाम के टाइम पे नानी जी आए हुए हैं, तो उन्होंने कुछ सब्जी वगैरह मतलब मामा के घर मतलब गाँव से वो सब लाए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वो सबको अब बनाएंगे और डिनर के तौर पे खाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहो, ठीक है। चलो दोस्तों देख सकते हैं वो सबको यहाँ पे उबल के रखे थे, ठीक है। पूरा काला काला दिख रहा है। इसको दोस्तों हमारी भाषा में बोलते हैं कोयला काटना, क्या बोलते हैं ना, कोयला कटाड़ा बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये देखो पूरा काला काला हुआ है ना, मैंने काला काला हुआ है ना, इसलिए उसको कोयला बोलते हैं, मतलब कोयला साग। और इसमें इस साग में कांटा रहता है, मतलब लंबे लंबे कांटे रहते हैं। तो उसका एक दिन नदी से मतलब ले आएंगे, ठीक है, दिखाएंगे। आज तो नानी माँ आए थे, उन्होंने लाए हैं, वापस हुए हैं। तो वो साग को टमाटर के साथ बनाएंगे ना। तो ये रास्ता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूजा जी टोमेटो कटिंग कर रहे हैं, एक मिलाएंगे ना, ज्यादा नहीं। कटिंग वगैरह खत्म कर दिए हैं, ये रहा साग, इसको ही बनाएंगे, ठीक है। तो तेल डाल दिए हैं और एक जीरा थोड़ा। प्याज और मिर्च और ये रहा टमाटो। पानी थोड़ा देंगे। दोस्तों फाइनल हमारा करी बन गया है, ठीक है। साग और टमाटो का पूरा कोयला जैसे दिख रहा है, काला काला। तो ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा मेडिसिन के जैसा काम करता है दोस्तों, ये सब पूरा क्या कहते हैं देसी चीजें ये सब, ठीक है। इसको टमाटर के साथ बनाया है, बहुत ही बढ़िया, देख सकते हैं। दोस्तों हम खाने वाले हैं, ठीक है, पूरी जी बैठ गए हैं। तो आज का स्पेशल देख सकते हैं दोस्तों, ये नानी माँ लाए थे, इसको बोलते हैं कोयला कांटा, हमारे कोयला कांटा मतलब साग बोलते हैं, कोयला और वो कांटा, दोनों को मिलता तो कोयला है और कांटा है, मतलब कोयला जैसे ब्लैक है। नाम भी बहुत अजीब है ये साग का, ठीक है। और वो एक उसका होता है ना कांटा, इसलिए कोयला कांटा। हाँ ये बना है और ये पानी बात और यहाँ पे थोड़ा कुछ सब्जी वगैरह है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों खाते हैं, बहुत ही भूख लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम खाने को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो क्या हुआ, ये
खीरा साग। ठीक ठाक ही लग रहा है। बहुत दिनों का दोस्तों ये साग मैंने खाया है। ठीक है, इसको मेडिसिन खा लेते हैं। हाँ दोस्तों, बड़ा तरह से डिनर वगैरह हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को ये साग के बारे में कुछ पता था या नहीं जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, और ये कहाँ पर वो उगता है और वो कैसे दिखता है, बना करके आप लोगों को दिखा है। और एक बार मतलब ये साग का वीडियो हाँ प्रॉपरली बनाएंगे, मतलब जहाँ पे उगता है वहाँ से मतलब उसको लाके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बढ़िया ये साग है। ठीक है, मतलब ये साग मेडिसिन की जैसे ये काम करता है। ठीक है, आपको तो पता है कि बहुत सारे साग होते हैं जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये देसी चीज है, सब मतलब दवाई की जैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही रात हो चुका है। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए हमारी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय और टेक केयर। चलिए रहते हैं।